दोस्तों, अगर आप टाटा क्रेडिट कार्ड यूजर है और आपको देखें इंटरनेशनल जो यूजेस है, अगर आपको नहीं करना है, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, ठीक है, एटीएम ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा देखिए कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये सब नहीं करना है तो आपको सीधा आप कर देना बेहतर है। तो इसके लिए देखिए आपको लॉगिन करना होगा टाटा क्रेडिट कार्ड का जो लॉगिन पेज है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें ये सब ऑप्शन मिल जाएगा कैसे आप करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर आप पहले कभी नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं अनवर और आप देख रहे हैं सेम काइट। तो इसके लिए देखिए जो टाटा कार्ड का जो ऑप्शन साइट है आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप यूज़र आईडी क्रिएट कर लिया है तो आप यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है डालकर आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कार्ड डिटेल्स है वो भी डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैनेज कार्ड यूजर्स जो ऑप्शन है आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह जितने भी देखिए ट्रांजेक्शन्स है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, सब दिखाई देगा। तो चार तरह के ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर। सबसे पहला देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है, तो इंटरनेशनल आपको यूज़ नहीं करना है तो आप कर दीजिए इस तरह, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल्स है, इसको भी यूज़ नहीं करना है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन है, उसके बाद एटीएम ट्रांजेक्शन्स है। तो इस तरह देखिए अगर आपको बाहर नहीं जाना है और आपको जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन नहीं करना है तो इस तरह सबके सब आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। और ऑफ करने के बाद नीचे देखिए आपको जो सबमिट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप सबमिट को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करते ही देखिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है, और डालने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है। तो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डालने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करते ही देखिए सक्सेसफुली जो है सेट हो जाएगा, यानी कि जो यूजेस है ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह देखिए अगर आपको ऑन करना है सिंपली फिर से ऑन करना है, और ऑन करने के बाद फिर से वही प्रोसेस आपको दोहराना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबके धन्यवाद।